हेलो एवरीवन, हाय, हेलो, नमस्ते। क्या हाल है आप लोगों के? हमारा जो वीडियो का कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है, उसमें मैंने आज का जो थीम है ना, वो मोबाइल के ऊपर रखा हुआ है। हाँ, वैसे हमें पता है कि आज के जीवन के हिसाब से मोबाइल बहुत ज़रूरी है, हर काम के लिए ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। आजकल हम अपनी बहुत सारी सहूलियत तो बहुत सारी आसानी होती है अगर आप मोबाइल के थ्रू काम करते हो तो। आपका दिन भर से लेकर जो भी काम है उसका 50% काम आजकल कम हो गया है, क्योंकि आपके सारे बिल, अब आपके बैंकिंग वाले सारे पर्पज, वो सब आप मोबाइल के थ्रू करते हैं। बट हर पॉजिटिव के साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट साथ में चलता है, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के रूप में आया, जिसपे लायक शायद हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है या हम उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा अपना खुद का शेड्यूल इतना टाइट और बिजी होने लग गया है कि बच्चा जब भी स्कूल से आता है या फ्री अवेलेबल है, छुट्टियां लगी हुई हैं, तो वो एक ही काम होता है उसका, मोबाइल, यूट्यूब, दैट्स ए वेरी बेसिक सा फंडा। या वो कोई मूवी देखने लग जाता है और वो 2-4 घंटे पिंटो साइलेंट रहता है। अगर उस समय मोबाइल आपने हटा दिया तो आप उसका फिर जो उत्पाद होता है ना, वो देखिए। बट ये कुछ हद तक सही है, मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सब के बिजी शेड्यूल के अंदर हमको इन सब की भी ज़रूरत है। बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद इसका बहुत अच्छा एडवर्स इफेक्ट बच्चों में हो रहा है, जो आपको 10-12 साल के बाद उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। क्योंकि आई थिंक मोबाइल के थ्रू देख के वो मोनोटोनस होने लग गए हैं, वो बहुत जिद्दी होने लग गए। आप उनका देखेगा, उनका एंगर कलर बहुत बड़ों से भी कहीं खतरनाक होने लग गया होगा। वो किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, किसी के ऊपर ध्यान नहीं है, सिंपैथी नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है उन बच्चों के अंदर। उन बच्चों के अंदर कभी भी एक साथ ग्रुप में काम करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो मोबाइल पे अपने हिसाब से देख देख के अपने मन मर्जी के मालिक बन जाते हैं। उस समय फिर उनको किसी की टोका टोकी पसंद नहीं आती। ये आपको लग रहा है कि ये तो बहुत छोटा सा इफेक्ट है, तो हम चेंज कर लेंगे, पर अगर आपने ऐसा 1-2 साल कर लिया ना, तो वो अब उनका एटीट्यूड बन जाएगा। तो अगर वो उनका एटीट्यूड बन गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मोबाइल ना देखें, बिकॉज इसमें बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ भी होती हैं, पर कोशिश करें कि जब मोबाइल बच्चा देखे तो आप भी साथ में देख के ग्रुपिंग में देखें, ग्रुप में देखें, ऐसे चाहे फादर या मदर दोनों साथ साथ कार्टून देखें, दोनों साथ साथ देखें, चाहे आप कुछ भी देखो, चाहे आप अल्फाबेटिकल ABCD क्यों ना सिखा रहे हो। कुछ से बहुत से पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम तो ABCD तो सिखा रहे हैं, हम तो पोएम ही सिखा रहे हैं, पर आपको पता नहीं कि उसको सुन सुन के, देख देख के बच्चा मोनोटोनस हो गया है। वो अपनी लाइफ सिंगल जीना पसंद करता है, उसको कोई इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, उसको किसी का सुनना भी पसंद नहीं है। सजेशन तो बहुत दूर की बात हो गई, आपने कुछ बोला वो नहीं सुनेगा, वो इग्नोर करेगा, या वो सुनने के बाद भी इस तरह से बिहेव करने लग जाएगा कि मैंने आपकी बात सुनी नहीं, बिकॉज मेरा कंसंट्रेशन के लिए सिम अवेलेबल था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपनी लाइफ में इमेजिनरी लाइफ शुरू कर देता है, क्योंकि वो इमेजिन लाइफ में चला जाता है। जैसे सोते हुए इंसान जाता है ना, तो जागते हुए भी सपनों के रूप में दुनिया में ही रहता है, वो अपने आप को रियल फेम में आने की कोशिश ही नहीं करता। आप आई थिंक 90% केसेस में देखिएगा कि आप 4-5 साल के बच्चे को अगर खाना भी खिलाना है तो मोबाइल देख के खाना खाएगा। आप उम्मीद रख सकते हो कि ये एडिक्शन हर घर में कहीं ना कहीं जा चुका है, और दैट्स ए वेरी बिग इशू। क्योंकि अगर आपकी आदत अभी से ही बच्चों के प्रति ये हो गई है, ये शायद बच्चों की गलती नहीं है, ये पेरेंट्स का गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है। वो अपने आप अपने बच्चों को खुद नेगेटिव थॉट की ओर धकेल रहे हैं, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चले जाएंगे बच्चे बहुत जल्दी जब वो बड़े होंगे तो। क्योंकि आप उस छोटे से मोबाइल में जो 3x4 का या 4x6 का जो मोबाइल है या iPad अवेलेबल है, उसके अंदर की जो लाइफ है ना, वो पूरी दुनिया है, और उस बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो पूरी दुनिया को संभाल सके, पूरी दुनिया का नॉलेज अपने दिमाग में ब्रेन के रूप में अंदर रख सके। प्रॉब्लम केवल ये आ रही है इस सिचुएशन के अंदर कि आप उसको सब कुछ नहीं दिखा सकते। अगर उसने अभी से ही ये सब चीज़ें देख ली तो आप सोच सकते हो कि उसके दिमाग में यही बसा हुआ है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ को भी जी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यार उस मोबाइल में मैंने वहाँ पे उस मूवी में उस स्टोरी में तो ये सीन देखा था, ये चीज़ देखी थी, अब मुझको तो यही चाहिए। ऐसा भी होने लग जाए कि कुछ समय बाद वो बोला कि अब हमें नए मम्मी और नए पापा चाहिए, क्योंकि ये तो पुराने हुए डांटते रहते हैं। वो आपको भी एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि आपने उसको जो दिया है ना, वो लगता है शुरुआत में सबको बहुत अच्छा है, नॉलेज दिया है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे बंद कर दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप पहले अपने आप को पंचुअल बनाइए विथ रेस्पेक्ट टू योर मोबाइल। आप थोड़ी ईमानदारी रखिए, क्योंकि हमारी सबसे पहले उठते ही आदत है कि सबसे पहले वेयर इज द मोबाइल, वेयर इज द चार्ज, चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, दिन भर कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा मोबाइल का भी उपवास करना सीखिए, शुरुआत घंटों से कीजिए, फिर दिनों और महीनों पे आ जाइए। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको आपके आसपास क्या और आपके कमरे में क्या और आपको पता नहीं, बिकॉज आपका सारा कंसेशन मोबाइल में अवेलेबल है। मैं मैक्सिमम जानता हूँ कि हमारा बहुत सारा काम मोबाइल पर चलता है, और उसका टाइम लिमिट नाम की कोई चीज़ होती है,
हमें टाइम में बंधना होगा, पेरेंट्स को बंधना होगा, तो अपना बच्चा भी बंधेगा। आप खुद रियलाइज करोगे यार मैं 9 बजे देखूंगा, फिर उसके बाद 1 घंटे का गैप होगा, 10 मिनट के लिए देखूंगा। अगर आप दिन भर जब भी बस फ्री होते आपका ध्यान जाता है वेयर इज द मोबाइल, आप फ्री होने पर अपने बच्चों की ओर ध्यान ही दोगे, तो बेटा आगे जाके फिर यही होगा कि आपके बच्चे भी आपके ऊपर कभी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि फ्री की ये इंस्ट्रूमेंटेशन आजकल हर घर में हर हाथ में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा जहर है। और अगर आप अपनी जनरेशन को अच्छा सिखा के नहीं जा रहे हो तो सोचो आपका जीवन जो आने वाला है वो कितना भयंकर होने वाला है। तो समझदारी से काम कीजिए, अपनी प्रेजेंस में ही रखिए, टाइम का बाउंडेशन दीजिए कि एक टाइम देखो इस टाइम से इस टाइम के बीच ही अवेलेबल है। कोशिश करिए आप भी साथ में देखिए और उनको नियम का पक्का बनाइए और उनको वीकली दीजिए। ये चीज़ फ्री में अवेलेबल है, इसका नहीं आप चार्ज करना बंद कर दीजिए। जब मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा तो बच्चा आसपास देखेगा ना कि दुनिया में क्या होता है। तो इसीलिए इन सब बेसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए और इस जहर को अपने जीवन में ज़्यादा डिजोल्व ना होने दीजिए, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फ्यूचर आपका बहुत बहुत भयंकर होने वाला। आपका तो होगा, आपकी अगली जनरेशन का भी भयंकर होने वाला। तो इसका एक प्रॉपर फायदा उठाइए, टाइमिंग का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि जब तक वो 15 इयर्स का ना हो तब तक आप भी उसकी प्रेजेंस में ही उसको इंस्ट्रूमेंट चलाने की परमिशन दें। अगर आप बिजी हो तो उसको भी मना कर दो कि भाई मैं भी नहीं देख रहा, आप भी नहीं देख रहे, आज अपना मोबाइल का उपवास है। ये जहर को उतना ही पिलाइए जितना आप फ्यूचर में सहन करने की कैपेसिटी ला सकते हो। तो प्लीज बी केयरफुल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो। बाय बाय।